ऐश्वर्या राय की तबीयत को लेके सामने आ रही है बहुत ही बुरी खबर। खबर आ रही है कि ऐश्वर्या राय को इमरजेंसी में किया गया है, हॉस्पिटल में एडमिट। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आज की इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ऐश्वर्या राय को आज होना पड़ा है हॉस्पिटल में एडमिट। काफी समय से खबर आ रही थी कि ऐश को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और उन्हें सांस लेने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आने के बाद उन्हें मुंबई के धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। डॉक्टर्स का कहना है कि ऐश्वर्या की तबीयत काफी समय से खराब है, जिसके कारण इन्हें कुछ दिन हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा। इस खबर के बाद बच्चन परिवार काफी परेशान नजर आ रहा है। अभिषेक बच्चन और उनकी बेटी आराध्या इस वक्त ऐश की तबीयत की वजह से काफी परेशान नजर आ रहे हैं। अभिषेक ने मीडिया वालों से बात करते हुए कहा है कि ऐश्वर्या को कुछ दिन हॉस्पिटल में ही एडमिट करना पड़ेगा और सबसे रिक्वेस्ट भी की है कि उनकी तबीयत के लिए प्रे करें। वहीं डॉक्टर्स ने ऐश्वर्या को अपने काम से ब्रेक लेने का भी मशवरा दे दिया है। ऐश ने हाल ही में एक बॉलीवुड मूवी साइन की है जिसकी शूटिंग भी हो चुकी है शुरू, और उसी के चलते ऐश्वर्या की तबीयत खराब हुई है। इसीलिए ऐश्वर्या एक बार फिर से अपने काम से लेने वाली है ब्रेक और करेंगे अपनी हेल्थ पर फोकस। मिस वर्ल्ड ऐश की तो दुनिया भर में लाखों फैन फॉलोइंग है, लेकिन यहाँ आपको बताते चलें कि स्किन ट्रीटमेंट के बाद अब ऐश्वर्या को काफी स्किन प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ रहा है। और इतना ही नहीं, हेयर ट्रीटमेंट का सहारा लेने की वजह से ऐश्वर्या को हेयर प्रॉब्लम भी करनी पड़ रही है फेस, जिसकी वजह से अब वो विग का इस्तेमाल करने लगी है। वेल दोस्तों, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ऐश्वर्या के लिए प्रे करें और नीचे कमेंट बॉक्स में उनके लिए बेस्ट विशेस कहना मत भूलिएगा। और अगर आप ऐश्वर्या राय के फैन है तो इस वीडियो को कर दें लाइक, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और मजीद ऐसी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा।